हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षणा लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोने और आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा जुडिशियल स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मेंस की आंसर राइटिंग जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं प्लस जो बार बार अपीयर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में, और वो भी जब आपके पास फैक्ट होते हैं किसी केस के और यू डोंट नो कि इसको फ्रेम कैसे किया जाए, इसको आंसर कैसे किया जाए। तो आज हम एक क्वेश्चन उसी के बेसिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। पूरे केस रहेगा, उसके फैक्ट्स रहेंगे एंड ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा भी गया है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ द केसेस। फैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है। एक स्टोरी है, इसको हम बहुत प्रॉपरली समझेंगे। तो सबसे पहले जो शुरू होता है, इट्स दैट कि 3 मंथ्स आफ्टर द डेथ ऑफ विजयन, विजयन एक पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, और 3 महीने के बाद जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उसका एग्जामिनेशन होता है। पहले पुलिस से जब एग्जामिनेशन होता है अंडर सीआरपीसी अंडर सेक्शन 161, देन सब्सिक्वेंटली 164 मजिस्ट्रेट से होता है एग्जामिनेशन, तो फाइनली जो रिस्पोंडेंट होता है, और फिर ट्रायल में भी होता है, ठीक है। पहले 161 बाय द पुलिस, देन 164 बाय द मजिस्ट्रेट, और उसके बाद थर्ड एग्जामिनेशन होता है ड्यूरिंग द ट्रायल। और जब ट्रायल में भी होता है तो वो तीनों टाइम 161, 764 और थर्ड ट्रायल में भी, तीनों में जो उसका स्टेटमेंट आता है, जो 3 स्टेटमेंट्स वो देता है, वो तीनों क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक। अब जो विटनेस नंबर 64 है, सॉरी, जो रिस्पोंडेंट नंबर टू है उसको हम आगे प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 64 बोलेंगे, ठीक, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, PW64 ये हम बोलेंगे, ठीक, रिस्पोंडेंट नंबर टू को। तो रिस्पोंडेंट नंबर टू को पुलिस ने एग्जामिन किया अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC, मजिस्ट्रेट ने किया अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC, देन उसके बाद ट्रायल में भी उसका एग्जामिनेशन हुआ, तो 3 स्टेटमेंट उसने दिए और तीनों क्या थे, कंसिस्टेंट थे, कोई उसमें अलग चीज़ उसने नहीं बताई। अब उसने बताया क्या है, अब हम वो देखते हैं। सब्सटेंस जो उसने दिए, उसने बोला, उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो दिया था नवंबर 2007 में, और उसने बताया कि नवंबर 2007 में 1 करुणा, जो कौन है, सेकेंड एक्यूज्ड है, ठीक, हैड ऑफर्ड टू पे PW64 एंड अमाउंट ऑफ 5 लैक्स इफ़ PW64 किल्ड विजयन। यानी कि करुणा ने ऑफ़र दिया, करुणा कौन है, सेकेंड एक्यूज्ड, करुणा ने ऑफ़र किया किसको, PW64 को, पब्लिक प्रोसिक्यूशन विटनेस 64 को, उसने क्या किया, बोला कि आप किल कर दो विजयन को, और जब आप किल कर दोगे तो आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज़। तो जो PW4 था, PW64, उसने क्या किया, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जब PW64 ने एक्सेप्ट कर लिया, देर आफ्टर PW64 ने क्या किया, कॉन्टैक्ट किया थर्ड एक्यूज्ड एंड डिस्क्लोज द प्रपोजल, वेयर अपॉन द थर्ड एक्यूज्ड एग्रीड टू जॉइन PW64। अब PW64 ने क्या किया, किसी तीसरे एक्यूज्ड के पास जाके, तीसरे पर्सन के पास जाके, एक्यूज्ड तो बाद में बना, जो थर्ड पर्सन था उसने उसके पास गया, उसने चीज़ें बताई एंड उसके बाद उसने बोला ठीक है आई विल जॉइन, और PW64 ने, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 64 था, उसने क्या बोला कि आप जॉइन करो और आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, द थर्ड एक्यूज वॉज पेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ बाय PW64। However, subsequently PW64 developed cold feet and started maintaining a distance from the second accused Karuna. अब क्या हुआ कि जो PW64 था उसने दूरी बनानी शुरू कर दी, किससे, जो हमारा सेकेंड एक्यूज है करुणा से, दूर होना वो शुरू हो गया, और करुणा ने उसको कितने का ऑफर दिया था, 5 लाख का ऑफर दिया था। But according to PW64 statement, the second accused and the third accused were in contact with each other. अब इसने क्या बोला, जब दूर हो गया, लेकिन उसके बाद उसको पता चला PW64 के स्टेटमेंट के अनुसार, उसको ये पता चला कि जो सेकेंड एक्यूज है और जो थर्ड एक्यूज है,
वो क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। और ये सिचुएशन इसको कब पता चली, ये बात उसको तब पता चला जब विजयन की मर्डर हुई, मर्डर हुआ। और जब मर्डर हुआ तो जब न्यूज़ न्यूज़पेपर में आई तब उसको पता चला, न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ आई है कि विजयन की डेथ हो गई, देन ही केम टू नो कि सेकेंड और थर्ड एक्यूज्ड क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। PW64 कॉन्टैक्टेड द थर्ड एक्यूज एंड इंक्वायर्ड अबाउट द मैटर। अब इसने क्या किया PW64 ने, कि थर्ड एक्यूज के पास गया और उसने क्या किया, इंक्वायर किया, पूरे मैटर को समझने की कोशिश की। देन द थर्ड एक्यूज इन्फॉर्म्ड हिम, मतलब थर्ड एक्यूज ने क्या किया, PW64 को बताया कि ही अलोंग, वो और उसके साथ तीन एक्यूज्ड और, यानी कि टोटल चार लोगों ने मिलके क्या किया, विजयन को मारा, एंड कलेक्टेड 4 लाख रुपीज फ्रॉम द एक्यूज नंबर 2। यानी कि चार लोगों ने मिलके क्या किया है, विजयन की मर्डर किया है, और करुणा जो एक्यूज नंबर 2 है उससे क्या किए, 4 लाख रुपये पैसे उन्होंने लिए हैं। तो ये हमारा क्या है, केस लॉ है, जो पूरे फैक्ट्स हैं ये आपको दिए गए हैं। ठीक, दिस इज़ अ स्टोरी। अब क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये है, डज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द ट्रायल बाय PW64 कैन ही बी कॉल्ड अंडर सेक्शन 319 एज एन एडिशनल एक्यूज्ड। क्या हम PW64 को एडिशनल एक्यूज्ड बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 319? सेकेंड क्वेश्चन, डज PW64 बी चार्ज्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इफ सम अदर एविडेंसेस आर अवेलेबल अगेंस्ट हिम एक्सेप्ट हिज ओन प्रीवियस स्टेटमेंट? क्या हम PW64 पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा सकते हैं, जो भी उसने एविडेंसेस दिए हैं, जो भी उसने स्टेटमेंट दिए हैं उसके बेसिस पे? ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब हम ये समझेंगे कि इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो ये है हमारी आंसर राइटिंग, जो हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो वर्ड्स को आप थोड़ा देखिए, इन द व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन, जो हमें फैक्ट्स मिले हैं, दैट इज वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर रहे हैं दैट द एविडेंस ऑफ PW64 एंड द इनक्रिमिनेटिंग आंसर्स गिवन बाय हिम ड्यूरिंग द ट्रायल अमाउंट्स टू द कंपेल्ड टेस्टिमनी फॉलिंग विद इन द स्वीप ऑफ सेक्शन 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ ओथ एक्ट। दस अब क्या हुआ, जो भी उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं, इट इज़ फॉलिंग अंडर सेक्शन 132 ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ द ओथ एक्ट। तो सबसे पहले तो हमने ये बता दिए कि कहाँ कहाँ पे फॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो 132 का जो प्रोविज़ो है, ये प्रोविज़ो इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा किस बार, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में एडिशनल एक्यूज के बारे में बात की जा रही थी कि क्या हम उसे एडिशनल एक्यूज बोलेंगे या नहीं करेंगे। तो द सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड ईदर बाय समनिंग हिम एज अ एडिशनल एक्यूज इन द प्रेजेंट केस, क्योंकि उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल गई। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो क्या हम उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हेल्ड करेंगे? तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, जो भी उसने स्टेटमेंट दिए हैं उसके बेसिस पे तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अदर देन दैट अगर हमको मिलते हैं सम अदर मटेरियल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन विच सेट्स द कॉन्स्पिरेसी कुड बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, देन देयर कैन बी नो इम्पीडियंट, मतलब कोई रोकेगा नहीं उस चीज़ को ले कि प्रोसिक्यूट द PW64 हेयर फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। मतलब अगर कोई मटेरियल मिल जाता है हमको तो हम क्या करेंगे, उसको कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल कर देंगे। तो ये हमारा एक आंसर फ्रेम हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ाएंगे, अगर आपको कोई केस लॉ पता है रिगार्डिंग दिस तो हम वो केस लॉ भी डाल देंगे, जिस तरह से ये वाला केस लॉ है। जो ये फैक्ट्स हैं दे आर सिमिलर टू द फैक्ट्स ऑफ आर दिनेश दीना वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अदर मार्च 2015 का ये केस था।
एंड इसमें सेम चीज़ें आपकी बोली गई थी। और ये जो फर्स्ट है ये हमारी बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। इन द केस PW64 कैन बी चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इफ सम अदर एविडेंसेस आर अवेलेबल अगेंस्ट हिम, ठीक है। ही कैन बी कॉल्ड एज एडिशनल एक्यूज इन द केस अंडर सेक्शन 319 ऑफ CRPC। हाउएवर द पावर ऑफ सेक्शन 319 कैन बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ टू कंडीशंस। दो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम 319 हम लगा सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो एविडेंसेस हैं, फ्रॉम एविडेंस इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट PW64 हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। मतलब चार लोगों ने मिलकर मारा था विजयन को, उसमें से एक है, ठीक, वो तो था ही नहीं। सेकेंड की अगर बात करें दैट PW64 कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द एक्यूज्ड। जब को एक्यूज होते हैं तो क्या होते हैं, साथ में ही आपने मिलके काम किया है तो आपका ट्रायल भी क्या होगा, एक साथ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपकी सेक्शन 319 की, तो यहाँ पे थ्री कॉन्स्पिरेसीज हुई थी, कॉन्स्पिरेसी बिटवीन एक्यूज नंबर 2 एंड PW64, ठीक, जहाँ पे वो 500,000 रुपये उसने ऑफर किए। सेकेंड कॉन्स्पिरेसी कब हुई, जब कॉन्स्पिरेसी बिटवीन एक्यूज नंबर 2 करुणा प्लस एक्यूज नंबर 3 एंड अदर्स, जब विजयन की डेथ हुई। थर्ड कॉन्स्पिरेसी कब हुई, कॉन्स्पिरेसी बिटवीन PW64 एंड एक्यूज नंबर 3। ये हमारी इस तरह से तीन तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई है इस केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये क्या हो गया, ये हमने कंक्लूड किया ऑल दीज कॉन्स्पिरेसीज आर डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। द वर्ड सेम ट्रांजेक्शन मीन्स वेयर देर इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम और प्लेस और यूनिटी ऑफ पर्पज और एंड डिज़ाइन और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट इट इज़ पॉसिबल टू इन्फर दैट दे फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ऑल द अबव स्टेटेड एलिमेंट्स नीड नॉट को एग्जिस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी रिगार्डेड एज द सेम ट्रांजेक्शन, ठीक। और ये क्या हो गया, हमारा एक कंक्लूजन हो गया। ये पूरा हमारा सेपरेट ट्रायल के बारे में हमने बात करके अपने क्वेश्चन को पूरी तरह से कंक्लूड कर दिया है। इस तरह से आपकी मेंस की आंसर राइटिंग होती है फॉर एनी केस। अगर आपके पास कोई केस आता है तो आप इस तरह से कंक्लूड करके आप उसको प्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर going through this video, and do like hit the like button and subscribe our channel and comment in the comment box what you like, what do you want to see the next, and thank you so much.